आज हम आपको महात्मा ज्योतिबा फुले रोहन कॉन्फ्रेंस विद्यालय बरेली द्वारा एग्जाम सेंटर की लिस्ट एमएड बीएड बीपीएड और वीएलएड की जो जारी की है उसको डाउनलोड करना सिखाएंगे। ठीक है, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना होगा, अपना गूगल ओपन कर लेना होगा और उसमें टाइप करना होगा MJPRU। इतना टाइप करने के बाद आपको उसको सर्च कर देना। ठीक है, जैसे हम इसको सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, और आपको सबसे ऊपर यहाँ पर दिखाई दिया जाएगा महात्मा ज्योतिबा फुले रोहन कॉन्फ्रेंस विद्यालय बरेली की जो है यहाँ पर वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिखाई दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी पर जो है क्लिक करना है। ठीक है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहन कॉन्फ्रेंस विद्यालय बरेली की वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ठीक है, फिर आपको क्या काम करना है, यहाँ पर जो है कट का निशान है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर कट का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो ये पेज आ रहा है ये जो है कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वेबसाइट का पेज आपको दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस वेबसाइट का दिखाई देगा। उसके बाद जो है आपको इधर जो है साइड में लेफ्ट साइड में यानी कि वाई साइड में जो है आपको तीन लाइन दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको तीन लाइन दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, और इसी पे आपको जो है क्लिक करना है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के ऑप्शन बहुत सारे खुल के आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, एग्जामिनेशन वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, एग्जामिनेशन वाला जो ऑप्शन है, ये एग्जामिनेशन वाला जो ऑप्शन है, ये एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और जैसे हम एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे भी बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। जैसे हम एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इतने सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। ठीक है, आपको क्या काम करना है, नोटिस फॉर कॉलेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप नोटिस फॉर कॉलेज वाले पर क्लिक करेंगे, इस वाले पर आपको क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, और जब इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा तो आपको सबसे ऊपर ही जो है बी एड एम एड बी एल एड और बी पी एड एग्जाम सेंटर की लिस्ट जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो आ रहा है, ठीक है, ये आपकी जो है बी एड एम एड और बी एल एड और बी पी एड की एग्जाम सेंटर की लिस्ट है। ठीक है, तो आपको इसी पर जो है क्लिक करना है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, जो यहाँ पर डाउनलोड का बटन दिया हुआ है इस पर ही क्लिक करेंगे। ठीक है, और जैसे हम डाउनलोड वाले ऑप्शन वाले इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो है डाउनलोड होकर आ जाएगी। ठीक है, फिर इसको हम ओपन कर लेंगे किसी भी अपने पीडीएफ व्यूअर में। ठीक है, और जैसे ही हम इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है, तो आपके सामने जो है इस तरह का एग्जाम सेंटर की लिस्ट खुल के आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा आपको जो है 2023 की एग्जाम सेंटर की लिस्ट है, बी एड एम एड बी एल एड बी पी एड परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्रों की संशोधित सूची है। ठीक है, जो ये 15 जून को जो है अपडेट की गई है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये सभी सेंटर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर बता दूँ कि देखिए इधर जो है इधर वाले रो में जो है आपके सेंटर के नाम है, इधर आपका कॉलेज का नाम है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको सबसे पहले काम करना है इधर वाली जो रो है इसमें अपने कॉलेज का नाम देखना है। इधर वाली रो में आपको जो है अपने कॉलेज का नाम देखना है। कॉलेज का नाम देखने के बाद जैसे मान लीजिए आपका कॉलेज बरेली कॉलेज है, मान लो कि ये पहला ही आपको इस वाली लिस्ट में जाना है और अपने कॉलेज का नाम देखना है। तो मान लो उदाहरण के तौर पर आपका बरेली कॉलेज में एडमिशन है, तो आप इस वाली रो में देखेंगे, इस वाली जो कॉलम है, ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि बरेली कॉलेज कहाँ पर है, तो हमारा फर्स्ट उस पर ही है। ठीक है, और इसके सामने ही हम जो है फिर यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, इसके सामने कौन सा है। ठीक है, इसके सामने जो भी होगा वो आपका सेंटर होगा। ठीक है, कॉलेज का सेंटर जो है बरेली कॉलेज बरेली ही है। ठीक है, ऐसे दूसरा देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे कि मान लो आपको इस वाले कॉलम में ही जो है अपना कॉलेज देखना है। ठीक है, कि मान लो कि आपका कॉलेज महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय है, तो इस वाले जो है कॉलम में आपको देखना है अपना कॉलेज का नाम। कैसे देखेंगे, तो इसमें देख लेंगे। ठीक है, ऊपर से हम देखना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर देखो महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय बरेली यहाँ पर दिखाई देगा। फिर आपको क्या काम करना है, इसी के सामने जो है आपको देखना है कि सेंटर का नाम कौन सा है, तो इसी के सामने जो है आप देखेंगे तो यह है बरेली कॉलेज बरेली। ठीक है, तो महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय बरेली का कहाँ गया सेंटर, यह है बरेली कॉलेज बरेली। यहाँ पर जो है आपके कॉलेज का नाम दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपके सेंटर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपने कॉलेज का नाम देखना है इधर। ठीक है, उसके बाद जो है आपको इधर के साइड में जाना है और अपने सेंटर का नाम देख लेना है। ठीक है, इधर वाली लिस्ट में आपके कॉलेज का नाम है और इधर वाली लिस्ट में जो है आपके सेंटर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो है ये 20 की रो जो है आपके कॉलेज के कोड का नाम कोड दे रखा है। ठीक है, आपके कॉलेज का कोड ये वाला है। ठीक है, और सेंटर के कॉलेज का कोड जो है ये वाला है। ठीक है, जूम करके बता देता हूँ, देखिए ये आपके कॉलेज का नाम हो गया, ये आपके कॉलेज का कोड हो गया। ठीक है, ये नंबर दे रखे हैं। ठीक है, ऐसी कॉलेज के 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, और इधर जो है आपके सेंटर का नाम हो गया। ठीक है,
और इधर जो है आपके सेंटर के सेंटर का कोड हो गया, ठीक है। ये वाली जो रो है, ये वाली जो कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम में जो है आपके सेंटर के जहाँ सेंटर गया है उस कॉलेज का कॉलेज कोड दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले का नंबर दे रखा है और यहाँ पर जो है वैसी नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपनी जो है सेंटर देख लेना है, ठीक है। तो ये जो है बीएड, एमएड, बीएलएड और बीपीएड वालों के लिए एग्जाम सेंटर की लिस्ट थी, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा इस तरह से डाउनलोड करनी है, ठीक है। और आप जो है इसको डाउनलोड हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, उसमें जाकर आप जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर भी समय समय पर PDF इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप, वहाँ से भी आप जो है सेंटर लिस्ट जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को ज्वाइन करना है और आसानी से डाउनलोड हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। आप गूगल खोलना नहीं पड़ेगा और महात्मा ज्योतिबा फुले उनके विश्वविद्यालय बरेली पर जाकर उसकी वेबसाइट पर जाकर ऐसा करके डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कर लें, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब चैनल को भी आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और उस वाली वीडियो को भी ज़्यादा शेयर करें। और साथ में यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको जरूर लाइक करें, ठीक है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।